हाय गाइस, मैं हिमांशु सेठ, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हम अपना सब्जेक्ट है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करें, और आधार कार्ड लिंक करने के बाद, पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने के बाद इनकम टैक्स के साइट पे जाके कैसे चेक करें कि ये आधार कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि कैसे ये लिंक करने का, इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करते हो, इसका बेनिफिट क्या होता है। तो इसके आगे में जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हो, बेल आइकॉन पे क्लिक करते हो, तो मेरे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे और सारे अपडेट्स, मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आपको जनरल नॉलेज मिलते रहेगा। जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए थे, तो अभी आगे के जो वीडियो रहेंगे वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो अपना आज का सब्जेक्ट है पैन कार्ड से आधार कार्ड कैसे लिंक करना है, और आधार कार्ड के लिंक करने के बाद कैसे चेक करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है कि हुआ है कि नहीं, इसके बारे में ये वीडियो है, तो आप आगे देख सकते हैं। थैंक यू, आप चेक कीजिए आगे का वीडियो। सो गाइस, हम लोग अभी ये विंडो पे आ गए गूगल पेज के। तो गूगल पेज पे हम लोग टाइप करेंगे सर्च बार में पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक। अगर हमें पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना है तो ये हमें टाइप करना है पैन कार्ड टू आधार कार्ड लिंक। तो हमें ये जो फर्स्ट लिंक आएगा, लिंक आधार कार्ड इनकम टैक्स, तो लिंक आधार पर इनकम टैक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ई फाइलिंग का जो साइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये ओपन होगा। इस पर दिखाएगा कि पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है, आधार कार्ड नंबर फिल करना है एज पर आधार कार्ड। तो ये सारा पेज आपको दिख रहा है, राइट साइड में नोटिफिकेशन भी है, नोट भी है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो पैन कार्ड के जब पैन कार्ड नंबर अगर नहीं डालते हो तो क्या एरर मैसेज आता है, गलत डालते हैं तो एरर मैसेज आएगा आपको। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अभी देख रहे हो आपकी पैन कार्ड पे कैसे करना है, लिंक पे कैसे करना है, ये डिटेल्स मैं आपको बताने जाऊँगा। अभी हम लोग पैन कार्ड पे क्लिक करते हैं, पैन कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो हम लोग का ये पैन कार्ड नंबर है, बेसिकली ट्राई करेंगे कि हम लोग कैपिटल में ही पूरा डिटेल्स फिल करेंगे। तो मैंने ये पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। ये पैन कार्ड नंबर डालने के बाद जो भी है, पैन कार्ड नंबर जैसे है वैसे के वैसे ही लिखना है पूरा। आधार कार्ड नंबर जो है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आधार कार्ड नंबर की जगह पे। तो हम लोग ये आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन आप जहाँ पे जैसे फिल कर रहे हो वैसे ही फिल करना है, ताकि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है और स्टार मार्क दिया है, मतलब आपको ये कंपलसरी फिल करना है। जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही आपको फिल करना है, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम है वही पूरा का पूरा फिल करना है। कोई भी गलती से भी एक भी वर्ड यहाँ पे आपको गलत नहीं लिखना है। सो अगर लिखते हैं तो ये अटैच नहीं होगा। और यहाँ पे लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑन बर्थ इन आधार कार्ड, जो बर्थ ईयर लिखते हैं पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहेगा, तो आपको ये वहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो अदरवाइज आई एग्री करके कंटिन्यू करना है। और जो इमेज कैप्चर लिखा है, कैप्चर कोड लिखा है, वो वैसे के वैसे आपको फिल करना है। कैप्चर कोड जो दिखा है वही आपको फिल करना है। आपको कैप्चर कोड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको OTP से भी, आप रिक्वेस्ट OTP करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट OTP है वो नहीं करना है, हम लोग कैप्चर कोड के थ्रू ही कर रहे हैं। तो और उसके बाद में लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग होते रहेगा, और लोडिंग होने के बाद मतलब आपको ये आगे का मैसेज आएगा। लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट का साइड है, एक गवर्नमेंट के साइड पे जो डिटेल्स आपने लोड किए हैं वो एज पर गवर्नमेंट साइड के हिसाब से होगा। उसमें अभी देख रहे हैं आप, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन अपडेटेड, मतलब जो अपडेट आपने किया है वो हो गया है अभी आधार लिंक होम पेज। ठीक है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडिटिंग ऑफ आधार, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग लिंक आधार हाइपोथिकेशन इन द होम पेज। तो हम लोग है ना यहाँ पे हम लोग जाके चेक कर सकते हैं कि होम पेज पे जाके कि हमारा आधार लिंक हुआ है कि नहीं पैन कार्ड से, या पैन कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं, हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये साइट ओपन होगा।
अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक आधार करके ये दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करना है। लिंक आधार पे आप क्लिक करते हो तो नया पेज ओपन होगा। तो जो भी है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद। फिर ये पेज ओपन होने के बाद में वापस हमारा वही लिंक का क्लिक हो गया, लेकिन वहाँ पे दिख रहा है क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिट द लिंक। अगर आप मतलब हम लोगों ने तो पहले ही कर दिया है, मतलब हमें यहाँ पे क्लिक करके स्टेटस चेक करना कि हम लोग का आधार लिंक हुआ है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोगों ने अगर इन्फॉर्मेशन, अगर राइट इन्फॉर्मेशन लिखी रही है, लिख दी है, राइट इन्फॉर्मेशन फिल की है, तो हम लोग का आधार पैन कार्ड से अटैच हो जाएगा। और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी दिखाई देगी इसमें कि कैसे फिल हुआ है और क्या हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद आप अभी देख सकते हैं कि जो नया पेज होगा। तो अभी हमने ये क्लिक करने के बाद अभी ये पैन कार्ड यहाँ पे लिंक आधार कार्ड से हुआ है कि नहीं चेक करने क्लिक करने के बाद में ये विंडो ओपन होता है। अभी यहाँ पे अभी पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है, जो भी पैन कार्ड नंबर है आप फिल किया था वो पैन कार्ड नंबर फिल करना है। तो मैं अभी ये फिल कर रहा हूँ। ये फिल करने के बाद में इसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जो आधार कार्ड नंबर है वही फिल करना है जैसे आपने जो पैन कार्ड से और आधार कार्ड से लिंक किया है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर फिल करना है। तो फिल करने के बाद में आप व्यू लिंक स्टेटस पे आप चेक कर सकते हैं। व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है अभी राउंड हो रहा है। ये आपका मे बी टाइम ले सकता है क्योंकि जो लिंक साइड है वो आपका डेटाबेस चेक करता है, तो इसकी वजह से आपको टाइम हो सकता है, इसकी वजह से आपको देर लग सकती है। तो ये थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, शायद से 2-3 मिनट ले सकता है। अगर साइट फास्ट रहेगी तो इमीडिएट होता है, कभी कभी स्लो हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कितना टाइम लग रहा है, लोडिंग करके दिखा रहा है। तो ये मत सोचिए कि आपका आधार कार्ड लिंक हुआ नहीं है कि नहीं है, जब तक स्टेटस आता नहीं है तब तक आपको चेक करना है और तब तक आपको वेट करना है। तो इसमें मे बी टाइम लग सकता है, इंटरनेट स्लो होने के वजह से भी होता है, या साइट के गवर्नमेंट साइड है इसमें बहुत सारी अपडेशन चालू रहती है, तो इसमें भी हो सकता है लेट फास्ट। लेकिन आपको जब तक लोडिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप नहीं बोल सकते कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो स्टेटस आया है, योर पैन लिंक टू आधार नंबर, मतलब ये आधार नंबर से पैन लिंक कब हुआ है, यहाँ पे डिटेल्स मैंने फिल की थी, ये लिंक हुआ है, ये यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। सो सक्सेसफुली डन होने के बाद में आपका जो भी है आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है, यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैंने बताया। तो आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है योर पैन नंबर लिंकेड टू आधार, और ये स्टेटस आपका सक्सेसफुली डन हुआ है। ऐसे ही आप मेरे सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। आपको अगर दिक्कत आती रहेगी तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी तकलीफ जैसी भी हो तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।